हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी पॉकेट में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 और 6 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि इम्पोर्टेंट होंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे एसएससी का हो, बैंक आईबीपीएस पीओ का हो। हर तरह के एग्ज़ाम में इस तरह के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ये करंट अफेयर हर तरह के रिसोर्सेज से लिए गए हैं, चाहे वो मैगजीन्स हो, चाहे वो कोई भी न्यूज़पेपर हो, वो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को एक्सट्रैक्ट करके इस वीडियो में डाला गया है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर्स, पहला जो है वो है 5 जून के बारे में। वी नो दैट 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इसकी थीम इम्पोर्टेंट है, वो जो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में। अगर थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करें तो 5 जून को दोस्तों एक कई तरह के इम्पोर्टेंट डिस्कशन लिए गए, इम्पोर्टेंट निर्णय लिए गए, जिसमें कि तमिलनाडु ने कहा, स्टेट ने कहा कि वो अगले साल से 1 जनवरी से सभी तरह के प्लास्टिक को ख़त्म कर देंगे। और दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, UPSC वाली वीडियो में, उसमें बताया था कि सरकार ने कई तरह के नॉर्म्स रखे हैं, जिसमें कि ये बताया गया है, कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं कि हिंदुस्तान हर दिन 25,000 टन जो प्लास्टिक है वो पैदा करता है, ठीक है, वो प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है हमारे यहाँ पर। लेकिन उसको सिर्फ उसमें से 40% जो है वो वेस्टफुल रहता है, और 60% उसको उसका प्रोसेसिंग होती है। तो इसके ऊपर काफ़ी तरह के प्रोसेस करने की आवश्यकता है। तो उत्तराखंड में ने भी कहा है कि 31 जुलाई से वो भी पॉलीथीन को ख़त्म कर देंगे, बैन कर देंगे। तो ऑलरेडी काफ़ी स्टेट्स ने पहले इस तरह के फैसलों को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और आगे इसके बारे में देखना बाकी है कि इस तरह से इसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये वाला जो थीम था वो प्लास्टिक के गेंद था, ठीक है, आपको याद रखना है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ना क्लाइमेट, हाँ ये बात ठीक है, क्लाइमेट के खिलाफ था, पर लेकिन आपको थीम इम्पोर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम के लिए, ठीक है। ये सब क्लाइमेट के लिए हो रहा है, कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो आगे चलते हैं। अगला जो है वो यह है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने पीएम मोदी जी के विज़न को देखते हुए एक कृषि कल्याण अभियान को लॉन्च किया है, ठीक है। पीएम मोदी जी का विज़न है, देखो नाम से इम्पोर्टेंट है कि कृषि कल्याण अभियान, कृषि मतलब खेती, एग्रीकल्चर के कल्याण के लिए, मतलब कि हमको दोस्तों पता है कि 2022 तक हमारे प्रधानमंत्री का ये विज़न है कि 2022 तक जो फार्मर्स की इनकम है वो डबल हो जाए। मतलब कि जब हम अपनी आज़ादी का, अपनी इंडिपेंडेंस डे का 75th एनिवर्सरी मना रहे होंगे, उसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तब जो है हमारे जो किसान हैं वो भी अपनी इनकम को दुगना हो उस वक्त, ठीक है, उनकी उस वक्त इनकम दुगनी हो, वो खुश रहें, क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की इनकम, हिंदुस्तान की जीडीपी का जो 50% कंट्रीब्यूशन है, और 50% जो एम्प्लॉयमेंट है वो कृषि से ही आता है, ठीक है, एग्रीकल्चर से आता है। और जब हमारे किसान खुश होंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी होगी। उस चीज़ को देखते हुए, मोदी जी के विज़न को देखते हुए, कौन सी मिनिस्ट्री जो है उन्होंने लॉन्च किया है इस तरह का कोई स्कीम, कृषि कल्याण अभियान, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर और भी मिनिस्ट्री दी गई है, रूरल डेवलपमेंट है, हेल्थ है, केमिकल वेलफेयर है। तो आपको जाना है ऑप्शन ए के साथ, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ, ठीक है। तो अगर इसके बारे में डिस्कस करें दोस्तों, तो 1 जून से लेके 31 जुलाई तक इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, इसे फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए, ठीक है। तो इस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। इसमें क्या है कि वो डिस्ट्रिक्ट आएंगे, देखो इसमें हर तरह का डिस्ट्रिक्ट नहीं आएगा, इसमें वो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट आएंगे जिसकी पॉपुलेशन 1,000 से ऊपर है, और उसके 25 विलेजेस को लिया गया है, ठीक है। और इसको कंसल्ट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ, नीति आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन बैंकिंग में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन किसके दिशा निर्देश, किस कंसल्ट करके, जो ये नहीं आएगा बैंकिंग और एसएससी में, एसएससी बैंकिंग में ये आ सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है और कब तक, और जो मोदी जी का विज़न है वो कौन से ईयर तक है कि हमें जो फार्मर्स की इनकम डबल करनी है, वो है 2022 को। क्यों? क्योंकि 75th एनिवर्सरी होगी हमारी इंडिपेंडेंस डे की। तो ये आप याद रखिएगा। अगर इस प्लान की और बात करें, हाँ काफ़ी सिंपल प्लान, इसके काफ़ी सिंपल इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें फार्मर्स की इनकम डबल करना है, फार्मर्स के लिए सोयल हेल्थ कार्ड बनाने हैं, 100% कवरेज करना है जो हमारे जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं उनके वैक्सीनेशन के लिए, उनको जो डिजीज होती है, आम डिजीज, फूट और माउथ डिजीज हैं, ठीक है, उनको ख़त्म करने के लिए, ठीक है, 100% कवरेज है शीप और गोट के लिए, ठीक है, ताकि हर तरह की बीमारियों से वो उनको इलाज करवाया जा सके। तो पल्सेस के लिए, ऑल सीड्स के लिए किट देनी चाहिए। हम हर विलेज में पिट्स बनवाएंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे, माइक्रो इरिगेशन करेंगे, ठीक है, ये सब क्रॉपिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सब इसके प्रावधान हैं जो कि कृषि के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आगे चलते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अभी अभी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं नए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, इनमें से कौन है? बीपी कानूगो, वीरल वीएचआर, एसएस मुंद्रा और एम के जैन। तो आंसर है एम के जैन। एम के जैन को अभी अभी डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया है। तो देखो दोस्तों, जो आरबीआई के एक गवर्नर होता है जो जिसका अभी जो करंट के गवर्नर है वो है उर्जित पटेल, और चार होते हैं डिप्टी गवर्नर, ठीक है। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं, डेटा लगा लो इनके नाम पर। देखो बीपी कानूगो, विरल वी आचार्य, डॉक्टर विरल वी आचार्य, श्री एन एस विश्वनाथन और एम के जैन, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, एम के जैन इज द करंट न्यू, इनको अभी अभी अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आप बैंकिंग के एग्जाम के लिए आप इसको याद रख सकते हो। बैंकिंग का क्वेश्चन है, बैंकिंग में जरूर आ सकता है ये क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए आगे चलते हैं। कौन सी सिटी होस्ट करेगी यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडियन कन्वेंशन को? न्यू दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई। तो इसका आंसर है थ्री, बेंगलुरु। बेंगलुरु अपॉइंट करेगा यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडियन कन्वेंशन को, बेंगलुरु। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस बुक स्ट्रेट टॉक बुक के बारे में बताइए। देखिए SBI PO इस तरह के क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। SBI PO इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर फोकस करती है, ठीक है। कौन से इस बुक का ऑथर का नाम क्या है? तो आंसर है अभिषेक मनु। अभिषेक मनु की बुक ये जो है स्ट्रेट टॉक अभी रिलीज हुई है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, उस क्रिकेटर का, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने अभी अभी विश्व रिकॉर्ड बनाया है 50 विकेट्स, फास्टेस्ट 50 विकेट्स T20 में। तो इसका आंसर है बी, राशिद खान। दोस्तों राशिद खान जो है वो अफगानिस्तान के बॉलर हैं, ठीक है। इन्होंने अभी भी ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है, 50 विकेट T20 फास्टेस्ट क्रिकेटर हैं ये। अगला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन सी अमेरिकन बड़ी कंपनी ने अभी अभी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोडिंग प्लेटफॉर्म GitHub को परचेज किया है, खरीदा है उसको अभी अभी? तो इसका आंसर है बी, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी की GitHub की, तो इसको $7.5 बिलियन में खरीदा गया है, ठीक है। काफ़ी बड़ी अमाउंट है ये, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अभी अभी एक थीम हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें राष्ट्रपति जी हैं हमारे जो रामनाथ कोविंद, उन्होंने संबोधित किया था सभी गवर्नर को, ठीक है। हमको पता है कि जो गवर्नर होते हैं राज्यों के, स्टेट्स के, वो एजेंट होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा भेजे हुए होते हैं ये, ठीक है। तो अभी अभी एक मीटिंग हुई थी, मीटिंग के तहत उनको एड्रेस किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा और पीएम मोदी जी के द्वारा भी। तो इस मीटिंग का थीम क्या था, इस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था? ये कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ये राष्ट्रपति भवन में हुई थी, इसका थीम क्या था? इसका थीम था न्यू इंडिया 2022, ठीक है, न्यू इंडिया 2022 आपको याद रखना है, ठीक है, न्यू इंडिया 2022। देखो ऑप्शन में क्या है, चेंज इंडिया, न्यू इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, न्यू इंडिया 2022, वन इंडिया, बेस्ट इंडिया। देखो कोई नहीं है, ऑप्शन है थ्री, ठीक है, न्यू इंडिया 2022, नया भारत 2022। तो आगे चलते हैं। इनमें से आप यंगेस्ट प्लेयर का नाम बताइए जिन्होंने, जो अभी अभी इंटरनेशनल मास्टर बने हैं, ठीक है, जो IM है, इंटरनेशनल मास्टर है, जो चेस में है ये, ठीक है, चेस में। तो ये जो इसका आंसर है वो है ए, रौनक साधवानी। दोस्तों बात करें, ये सिर्फ 12 साल के हैं, सिर्फ ये 12 साल की उम्र में ये इंटरनेशनल मास्टर बने हैं, यंगेस्ट प्लेयर हैं ये भारत के, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा, वो तो खिलाड़ियों के ऊपर फोकस करते हैं बैंकिंग। तो अगला क्वेश्चन जो वो है ये है कि कौन सी कंट्री होस्ट करेगी तीसरा एशिया कप इंटरनेशनल ब्रिज चैंपियनशिप, कौन सी कंट्री? तो इसका आंसर है इंडिया, भारत होस्ट करने जा रहा है। देखिए अगर बात करें तो भारत होस्ट करने जा रहा है तीसरा एशिया कप इंटरनेशनल ब्रिज चैंपियनशिप, जो कि 4 जून से 11 जून तक होगा, चल रहा है अभी। और इसमें ये कंट्री पार्टिसिपेट करेंगी, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, चाइना, जापान, कोरिया, ये और गोवा ही होगा ये, ठीक है। और ये देश के जो कंट्रीज के जो प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। तो पहले जो इवेंट होंगे, इवेंट में कुछ होंगे, उसके बाद नॉकआउट में वो सिलेक्ट होंगे। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज होगी, वो जिस हिसाब से प्लेइंग होती है, तो बैंकिंग में यही आएगा कि कहाँ पर ये हो रहा है, ठीक है। अगर इंडिया में आए तो गोवा में, अगर पूरी दुनिया की बात की, एशिया की बात की, एशियाई कंट्रीज की बात की, तो इंडिया आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। हु हैज़ क्लेम्ड, देखिए ओमान जूनियर और कैडेट ओपन, इसमें गोल्ड मेडल जीता है किसने? तो इसका आंसर है ए, सुहाना सैनी। इसको आप रटर गालो, सुहाना सैनी, ठीक है, सुहाना सैनी ने जीता है ये गोल्ड मेडल। तो चलिए आगे चलते हैं। कौन से बैंक ने लॉन्च किया है MSME स्केल अप सीरीज? देखिए MSME को जो लघु उद्योग है हमारे, उनको स्केल अप करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए कौन से बैंक ने ये लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है डी, देना बैंक, सॉरी यस बैंक। यस बैंक ने लॉन्च किया है MSME स्केल अप सीरीज़।
ठीक है, तो याद रखिएगा आप, स्केल अप सीरीज बाय यस बैंक। तो आगे है, कौन सा शहर, विच सिटी, कौन सा शहर जिसने होस्ट किया है नेशनल हेल्थ एडिटर्स कॉन्फ्रेंस ऑन योगा। इसका आंसर है 3, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो अगर बात करें तो इंटरनेशनल योग डे की, वो होता है इंटरनेशनल योग डे वो 21 जून को होता है, 21 जून को, ठीक है। तो अभी अभी न्यू दिल्ली ने इसको होस्ट किया है नेशनल हेल्थ एडिटर्स कॉन्फ्रेंस ऑन योगा। विच स्टेट, कौन से स्टेट ने अभी अभी पॉलीथीन की प्रोहिबिशन की बात की है। देखिए, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले से पॉलीथीन की प्रोहिबिशन की, तो वो है उत्तराखंड, नॉर्थ तमिलनाडु। अगर बात करें प्लास्टिक को बैन करने की, अब वो अगले साल से है, 1 जनवरी से है, जनवरी से वो है तमिलनाडु, ठीक है। पर लेकिन तमिलनाडु इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने कहा है कि वो 31 जुलाई से पॉलीथीन को बैन करेंगे, ठीक है। इसका वो याद रखिएगा, 31 जुलाई और 1 जनवरी, 1 जनवरी वाला तमिलनाडु था, 31 जुलाई वाला उत्तराखंड था, वो पॉलीथीन था, वो प्लास्टिक था। चलिए आगे चलते हैं, आप भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए, मेल क्रिकेटर है वो, कि वो हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट में आते हैं, वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड एथलीट्स में, एम एस धोनी, कोहली, आर अश्विन, हार्दिक पांड्या। तो इसका आंसर है बिटा, सॉरी बी, विराट कोहली। विराट कोहली जो है वो लिस्ट में है, ठीक है, इस लिस्ट में है। विराट कोहली की बात करें दोस्तों, तो वो 83rd नंबर ऑफ हाईएस्ट पेड प्लेयर है दुनिया के, 83rd, ठीक है। अगर बात करूँ मैं, टॉप 100 की लिस्ट में आते हैं दुनिया की। अगर बात करूँ टॉप 1 की, टॉप 1 में कौन है, टॉप 1 में है फ्लॉयड मेवेदर। ये अमेरिका के बॉक्सर, प्रोफेशनल बॉक्सिंग प्रमोटर हैं और फॉर्मर प्रोफेशनल बॉक्सर भी हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि क्या है कि इससे पहले, विराट कोहली से पहले एम एस धोनी का नाम था इस तरह पेइंग में, कि कौन सबसे ज़्यादा इसकी कमाई है। तो आप इसको, इसमें ऑप्शंस में इस तरह के जो कन्फ्यूज़न पैदा हो सकती है, तो आप इसको याद रहेगा, विराट कोहली, ठीक है। अगला, कौन से बैंक ने बैक किया है इन्वेस्टर रिलेशनशिप अवार्ड 2018, इन्वेस्टर रिलेशनशिप अवार्ड, कि जो कस्टमर्स होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, उनके जो अच्छे, उनके साथ अच्छे संबंध बनाने का जो अवार्ड है, कौन से बैंक ने बैक किया है इस कॉरपोरेशन अवार्ड को। तो वो है डी, कॉरपोरेशन बैंक। कॉरपोरेशन बैंक ने इस अवार्ड को जीता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप याद रखिएगा, कॉरपोरेशन बैंक। अगला है, कौन सा एप्लीकेशन है जिसने जीता है एप्पल डिज़ाइन अवार्ड, मतलब कि जो एप्पल के डिज़ाइन के लिए एक अवार्ड है। एप्पल एक कंपनी है, मोबाइल कंपनी है, ठीक है। तो एप्पल में, एप्पल के कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, लैपटॉप है, चाहे वो आईफोन है, चाहे वो आईपैड है, चाहे आईपॉड हो, तो कौन सी एप्लीकेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कालजी 3, ठीक है। ये सभी जो ऐप दिए हुए हैं, फेस टू नेक क्लिप्स है, कोई क्या, ये सभी एप्पल के एप्लीकेशन हैं, पर लेकिन कालजी 3 ने जीता है इस तरह का अवार्ड, ठीक है। अगला है कि यंगेस्ट ऑथर ऑफ इंडिया जिसको अभी अभी अवार्ड दिया गया है, उनका नाम क्या है। उनका नाम है अयान गोगोई गोहेन। इनको मिला है अवार्ड यंगेस्ट ऑथर ऑफ इंडिया। इससे पहले जो अवार्ड था, ये रुझान चौधरी के पास था, ठीक है। ये सिरसा की थी, हरियाणा की, उन्होंने एक बुक लिखी थी इन्होंने, नन्हे पंखों की उड़ान, और जो उस समय वो 8 साल की थी, ठीक है, रुझान चौधरी। पर लेकिन अगर बात करें अयान गोगोई चौहान गोहान गोहेन की, तो ये 4 साल के हैं सिर्फ, 4 ईयर के हैं सिर्फ ये, ठीक है। और इनकी बात करें तो ये असम के हैं, ठीक है, असम के रहने वाले हैं, 4 साल के हैं अयान गोगोई गोहेन, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यूएन जनरल असेंबली के नए इलेक्टेड राष्ट्रपति प्रेजेंट कौन होंगे, अध्यक्ष कौन होंगे। तो आपको याद रखना है, आंसर है मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा एंड गार्सिस। आई एम सो सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ, मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा गार्सिस, ये इनका नाम है। तो अभी जो हैं वो CEO जो हैं UNGA के, वो है मिरास्लाव लाजक, ठीक है। ये ऑप्शन जो सी है, वो CEO हैं, करंट CEO हैं। और अगर जो बात करें 2 की, ये होंगे UNGA के अगले आने वाले अध्यक्ष, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो है, कौन से एयरपोर्ट को, हवाई अड्डे को, कौन सा हवाई अड्डा भारत का ऐसा पहला एयरपोर्ट बना है, हवाई अड्डा बना है, जो कि नेशनल हाईवे, जिसके पास होगा नेशनल हाईवे अंडर रनवे, ठीक है, टू हैव ए नेशनल हाईवे अंडर रनवे। तो इसका आंसर है वाराणसी।
और अगर बात करें वाराणसी की, वाराणसी से ही सांसद हैं लोकसभा के नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो अगला है, अभी बंधन बैंक ने अपना चेयरमैन नया अपॉइंट किया है, उन चेयरमैन का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, वो जो चेयरमैन हैं जो भी अपॉइंट हुए बंधन बैंक के, वो आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे, तो उनका नाम है एचआर खान, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर। अगर बाकी ऑप्शन की बात करी जाए तो ये देखिए, जो चंद्रशेखर शो घोष हैं वो बंधन बैंक की सीईओ हैं, करंट सीईओ, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, बंधन बैंक की सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष, बंधन बैंक की जो चेयरमैन है वो है एचआर खान, ठीक है। और बंधन और सीईओ हैं, देना बैंक के सीईओ हैं अश्विनी कुमार, और पीएनबी के सीईओ हैं सुनील मेहता। इसको आप याद रखिएगा, एक लिस्ट बना लो सीईओ की, प्रेसिडेंट्स की, जिसमें कि आप चेयरमैन, सॉरी चेयरमैन की, तो इसको आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन एसबीआईपीओ इसके ऊपर फोकस करती है, बैंकिंग की थीम, बैंकिंग का मोटो, बैंकिंग का सीईओ या बैंकिंग का चेयरमैन, ठीक है। SBI PO इसके ऊपर फोकस करती है, नहीं तो हम अपने डिस्कशन में जिस हिसाब से नए नए अपॉइंट होते जाएंगे हम उसको याद करते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए कौन से वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ने अभी अभी अटल भूजल योजना के लिए फंड दिया है, याद रखना है, वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने अभी अभी अटल भूजल योजना के लिए फंड दिया है 6,000 करोड़ रुपये का। हमने इसको अपनी दूसरी वीडियो में डिस्कस किया है डिटेल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है इप्सा फॉरन मीट को, क्या है इप्सा? इप्सा के फुल फॉर्म है इंडियन ब्राज़ील इंडिया, आई फॉर इंडिया, बी फॉर ब्राज़ील, एस ए फॉर साउथ अफ्रीका। तो तीन कंट्रीज का समूह है ये, एक मीटिंग होती है फॉरन ऑफिशियल्स की, फॉरन मिनिस्टर्स की, ठीक है, विदेश मंत्रियों की, तीनों कंट्रीज़ के, और मीटिंग कहाँ पर होती है, कौन सी कंट्री होस्ट करती है? तो इसका आंसर है डी, साउथ अफ्रीका। देखो तीनों कंट्रीज़ का एक समूह है, तीनों कंट्रीज होस्ट कर रही हैं, तो मतलब कि तीनों कंट्रीज में ही कोई कंट्री होगी जो होस्ट कर रही है, ठीक है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, इंडिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। बी में उलझन है, बी में ब्राज़ील था या बी में बांग्लादेश था, देखो ऑप्शन में ऐसे ही आएगा, आप वहाँ पर उलझ जाओगे, कन्फ्यूज हो जाओगे, बी फॉर ब्राज़ील था या बी फॉर बांग्लादेश था, तो ऑप्शन में दोनों दिए गए हैं। देखो होस्ट कंट्री वो होगी जो तीनों में से कोई होगी, इंडिया में से होगी, ब्राज़ील में से होगी, साउथ अफ्रीका में से कोई होगी, पर लेकिन बी फॉर ब्राज़ील था या बांग्लादेश था, कहीं आप जाके वहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाओ, तो आपको ऑप्शन पहले वो गलत कर देंगे, कौन सी ऑप्शन गलत है, देखो बांग्लादेश तो नहीं है, ठीक है, रह गई इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, तो आपको याद रखना है वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका शहर है प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में ये हुआ है मीट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कौन से राज्य ने, भारत के कौन से राज्य ने होस्ट किया है पहला, सबसे पहला ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हाइड्रो पावर के लिए? तो वो है तीन, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर इसको लॉन्च किया है, इसको होस्ट किया है, सॉरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बाफ्टा के नए चेयरमैन, बाफ्टा क्या चीज़ है, ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स, इसके नए चेयरमैन कौन है? देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज़ पर, लेकिन कोई अपना करंट अफेयर कोई न्यूज़ रह ना जाए, इसके लिए मैंने डिस्कस कर लिया है। उनका नाम है पीपा हैरिस, ये वेटरन काफ़ी वरिष्ठ एक प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, तो पीपा हैरिस जो है बाफ्टा के नए चेयरमैन, ठीक है। अगला है जॉर्डन के नए पीएम, देखो एसएससी में ये क्वेश्चन आ सकता है, जॉर्डन के पीएम कौन है? इनका नाम है उमर रजाज, ऑप्शन में है एक हसन रूहानी, जी ईरान के प्रेसिडेंट है, ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी, ठीक है। जॉर्डन के पीएम है उमर रजाज, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस दो दिन के वीडियो में इतना ही था, 5 और 6 जून के जो मेरे करंट अफेयर्स हैं एसएससी और बैंकिंग के लिए, वो इसके लिए इतना ही था। तो अगर आपको कोई हमारे यहाँ कोई इस वीडियो में कोई अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझको कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो हम अगली जो 2 दिन के 7 और 8 तारीख की वीडियो है वो आज हम शाम तक पब्लिश कर देंगे शायद, ठीक है, नहीं तो कल तक कर ही देंगे। तो इस वीडियो की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।